हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अमृतसर में हूँ और अमृतसर पंजाब का एक प्रमुख शहर है और पंजाब भारत का एक प्रमुख राज्य है। मैं यहाँ गोल्डन टेंपल देखने के लिए आया हूँ। गोल्डन टेंपल देखने के लिए पहले आपको हॉल बाज़ार आना पड़ेगा। ये हॉल बाज़ार चौराहा है, इसके लेफ्ट साइड में हेरिटेज स्ट्रीट है और राइट साइड में मार्केट है। और जो ये सामने देख रहे हैं, यह गोल्डन टेंपल के लिए एंट्री गेट है। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड बैठे होंगे, उनसे आप पूछ सकते हैं, बहुत पोलाइटली आपको डायरेक्शन दे देंगे। इस गेट के अंदर प्रवेश करते ही आपको दिखाई दे जाएगा कि यहाँ ज़रूर कोई प्रमुख पर्यटक स्थल है। तो इस गेट के अंदर मैं प्रवेश करने वाला हूँ। इस गेट के अंदर डेकोरेशन इतना सुंदर है कि यहाँ बहुत फोटोग्राफी होती है और लोग कुछ देर यहाँ रुकते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। वैसे आपको बता दूँ, यहाँ से आपको पैदल ही जाना होगा, कोई भी व्हीकल अलाउड नहीं है। और यह दूरी बताया जाता है करीब हाफ किलोमीटर है, लेकिन शायद हाफ किलोमीटर से ज़्यादा है। लेकिन पैदल चलते हुए आपको थकावट बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि रास्ते में डेकोरेशन बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोग एक साथ जा रहे होते हैं, तो बहुत एंजॉय करते हुए जाते हैं। यहाँ जाते समय आपको रास्ते में पार्टीशन म्यूज़ियम भी मिलेगा, जो लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं। यह इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के समय के सभी वीडियोस, पिक्चर्स और मेमोरीज रखी गई है। इसका एंट्री फीस है, लेकिन इसको रात में नहीं जाया जा सकता, इसमें डे टाइम है और एंट्री फीस भी है। लेकिन गोल्डन टेम्पल जाने के लिए आपको कोई एंट्री फीस नहीं है। गोल्डन टेंपल 2400 घंटे और हफ्ते में सातों दिन खुला रहता है, ऑल 24/7 इट इज़ ओपन। तो मैं गोल्डन टेंपल देखने के लिए रात में गया था, तो रात में बताया गया था कि यहाँ की सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है। और रास्ते में कुछ चौराहे भी हैं, यह लक्ष्मीबाई चौराहा है, इस पर रानी लक्ष्मीबाई का स्टैचू है। यहाँ पर भी लोग रुक जाते हैं कुछ देर के लिए, फ़ोटोग्राफी करते हैं। और यह जो स्टैचू देख रहे हैं, यह जलियांवाला बाग का है। यहाँ पर जलियांवाला बाग है। अगले वीडियो में मैं आपको जलियांवाला बाग दिखाऊंगा, जो आप SST में, हिस्ट्री में हमेशा पढ़ते रहते हैं। जलियांवाला बाग से आप सीधे चले जाएंगे, बस ये सामने गोल्डन टेंपल दिखाई देने लगा है, बस हम गोल्डन टेंपल पहुंचने ही वाले हैं। हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि बस हम गोल्डन टेंपल पहुंचने ही वाले हैं। यहाँ पर काफ़ी सिक्योरिटी रहती है, लेकिन सिक्योरिटी वाले आपसे बहुत पोलाइटली बात करेंगे, कोई भी आपसे रूडली बात नहीं करेगा। गोल्डन टेंपल में प्रवेश करने से पहले आपको अपने जूते जो है वो जूते घर में जमा करना पड़ेंगे। यह जो है जूता घर है, यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने जूते जमा कर सकते हैं। यहाँ पर फ्री सर्विस रहती है और सभी यहाँ के लोकल सिख लोग यह सर्विस देते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन भी रहते हैं, ऑफिसर्स भी रहते हैं, लेकिन यहाँ सेवा भाव बहुत है,
फिर फुटबाथ लेने के बाद, पैर धोने के बाद आप गोल्डन टेंपल की तरफ प्रवेश कर जाते हैं। और यह देखिए, मैं यह गोल्डन टेंपल के गेट के अंदर प्रवेश कर गया हूँ। और यह जो सरोवर देख रहे हैं, यह जो है गोल्डन टेंपल के चारों तरफ है। गोल्डन टेंपल उसके बीचों बीच स्थित है। इसे अमृत सरोवर के नाम से जाना जाता है। इस सरोवर में डुबकी लगाने का भी विशेष महत्व है। यहाँ सिख लोग बताते हैं कि इस सरोवर में डुबकी लगाने से हेल्थ अच्छी रहती है और साथ ही ब्लेसिंग्स भी मिलती है। यह गोल्डन टेंपल का सीन है उसके सरोवर के दूसरे तरफ से। यह उसकी परछाई सरोवर में बहुत ही सुंदर दिखती है। इसीलिए स्पेशली मैं नाइट में गया था, क्योंकि रात में इसकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। हाँ, यहाँ पर एक स्पेशल बात है। जब आप गोल्डन टेंपल के में प्रवेश करने वाले होंगे, आप देख रहे हैं सभी के सिर पर एक कपड़ा बंधा हुआ है। यह आपको कपड़ा ख़रीदना ज़रूरी है। यह जब आप एंट्री लेते हैं, तभी रास्ते में आपको एक 10 रुपये से लेके 25 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये का कपड़ा मिलता है। अकॉर्डिंग टू क्वालिटी आप ख़रीद सकते हैं, लेकिन इसको सिर पर बांधना ज़रूरी है। और यदि नहीं ख़रीद पाया है तो वहाँ भी एक बॉक्स रखा रहता है, उसमें से भी आप पिकअप कर सकते हैं और सिर पर बांध लें। यहाँ गोल्डन टेंपल में अंदर प्रवेश करने के लिए लंबी लंबी लाइन लगती हैं और उन लाइन में खड़े होना ज़रूरी है, लेकिन आपको अनकंफर्टेबल नहीं होगा। पहले आप इसकी सुंदरता को देख लीजिए, फिर आगे चलकर आपको लोगों का क्राउड उसमें प्रवेश करते हुए भी दिखेगा। अभी सभी लोग अमृत सरोवर में बिजी हैं, फिर उसके बाद वो गोल्डन टेंपल की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर कई स्थानों पर फोटोग्राफी अलाउ है, कई स्थानों पर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। जहाँ अलाउड नहीं है तो यहाँ की सिक्योरिटी या लोग आपको बहुत पोलाइटली मना करेंगे। मैंने इस वीडियो में कुछ रेयर फुटेज भी लिए हैं जहाँ फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन जब उन्होंने मना किया उससे पहले मैं ले चुका था। तो कुछ आपको इस वीडियो में ऐसा भी देखने मिलेंगे कि जो आपने अन्य वीडियो में नहीं देखा होगा। ये जो लोगों का जाते हुए एंट्री का क्राउड दिखने लगा है, चाहे आप छोटे हों या बड़े हों, रिच हों या पुअर हों, किसी भी कास्ट से हों, आपको लाइन में लगना ही पड़ेगा, तभी आप मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। वहाँ आपकी सुख सुविधाओं का काफ़ी ध्यान रखा है कि जैसे गर्मी के दिन है तो काफ़ी कूलर पंखे लगाए गए हैं ताकि आपको गर्मी ना लगे।
यहाँ गुरबाणी हमेशा चलती रहती है, लेकिन गुरबाणी सुनने का नियम है आपको ज़मीन पर ही बैठना होगा। यहाँ पर कोई टेबल कुर्सी नज़र नहीं आएगी। और साथ में एक और नियम है, यहाँ पर आपके पॉकेट में कोई धूम्रपान सामग्री नहीं होना चाहिए। धूम्रपान करना अलाउड नहीं है, साथ में पॉकेट में भी नहीं होना चाहिए। यदि है तो कहीं आप डस्टबिन में उसको फेंक दीजिए। ये लोग लाइन में लगे हुए हैं, ये सभी मंदिर में प्रवेश करना चाहते हैं। थोड़ा सा मैं इसकी हिस्ट्री के बारे में बता दूं। जैसा आप जानते भी होंगे, यह जो है गोल्डन टेंपल एक सिख धर्म का प्रमुख पर्यटक स्थल है। इसे गोल्डन टेंपल, स्वर्ण मंदिर, श्री हरमिंदर साहिब, श्री दरबार साहिब के नाम से भी जाना जाता है। यह अमृतसर के बीचों बीच स्थित है और यह अमृतसर का जो सिटी लेवल है उससे थोड़ा नीचे स्थित है। यह पूरी तरह गोल्ड प्लेटेड है और इसी कारण लोग बहुत आकर्षित होते हैं। सिखों के पांचवें गुरु श्री अर्जुन देव जी ने इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया था। इसे अतसत तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। स्वर्ण मंदिर की नींव सूफी संत मियां मीर जी द्वारा रखी गई थी। फिर इसको बनाने का सपना तीसरे गुरु अमरदास जी का था, लेकिन इसके डिजाइन और निर्माण कार्य का श्रेय श्री अर्जुन देव जी ने किया। सिख धर्म के लोगों के लिए इस मंदिर का विशेष महत्व है, क्योंकि इसमें सिख धर्म का प्राचीन इतिहास छुपा है। इस मंदिर को अकाल तख्त पर स्थापित किया गया है। जब यह मंदिर बनाया गया था तो इस पर सोने की परत बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन 19वीं शताब्दी में यहाँ के राजा महाराजा रणजीत सिंह ने इसका रेनोवेशन करवाया और इसको गोल्ड प्लेटेड करवाया, और फिर यह पूरे वर्ल्ड का टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया। इस मंदिर का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर जो सिखों के प्रमुख गुरु गुरु नानक जी हैं, उन्होंने भी ध्यान किया था। और आपको बता दूं कि इस मंदिर में चार प्रमुख दरवाजे हैं, चार प्रमुख द्वार हैं, और ये चारों दिशाओं में खुलते हैं। और इसका मतलब है सभी धर्मों के लोग आमंत्रित हैं। इन चार द्वारों का मतलब है कि सभी धर्मों के लोग यहाँ आ सकते हैं। वैसे बताया जाता है कि सिख धर्म के लोग तो आते ही हैं पूरी दुनिया से, लेकिन 35% पीपल अन्य धर्मों से भी यहाँ आते हैं। और प्रतिदिन करीब 1.5 लाख लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। यहाँ दर्शन करते हैं, मन्नत मांगते हैं, यहाँ की ब्यूटी को एडमायर करते हैं, अमृत सरोवर में डुबकी लगाते हैं।
और एक बात और है, इसमें सिख धर्म के जो पवित्र गुरु हैं, सबसे पवित्र गुरु गुरु ग्रंथ साहिब को इस मंदिर में स्थापित किया गया है। इस मंदिर की एक खास बात और है कि इस मंदिर की जो सीढ़ियां हैं ऊपर से नीचे की तरफ उतरती हैं, जबकि दूसरी जगह पर देखा है कि सीढ़ियां नीचे से ऊपर की तरफ जाती हैं, यहां ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं। यहां पर साफ सफाई का काम भी साथ साथ में चलता है, क्योंकि लाखों लोग प्रतिदिन आते हैं और यह सर्विस यहाँ के लोकल लोग या जो बाहर से दर्शन करने आते हैं वह भी सर्विस में लग जाते हैं और सफाई का काम चलता रहता है और वाहे गुरु के नारे लगाए जाते हैं। यह सभी फ्री सर्विस होती है। इसमें कुछ ऑफिसर्स भी होते हैं, बिजनेसमैन भी होते हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट भी होते हैं और उन सभी के अंदर यहाँ अमृतसर में सेवा भाव बहुत है। यहाँ पर कोई सर्वेंट नहीं लगाया गया है इस मंदिर में, लोग आकर खुद अपनी सेवा देते हैं। अभी आपको मंदिर के अंदर का दृश्य भी दिखाई देने वाला है। मंदिर के अंदर का फुटेज मैंने थोड़ा ही ले पाया है, क्योंकि उसके बाद उन्होंने वहाँ पर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के लिए मना किया तो मैंने कैमरा बंद कर दिया था। मंदिर के अंदर यह पूरी तरह से गोल्ड प्लेटेड है। और इस मंदिर को कुछ खास त्योहारों पर जैसे लोहड़ी, संक्रांति, शहीद दिवस, दिवाली पर बहुत सजाया जाता है और कुछ स्पेशल प्रोग्राम भी होते हैं। यहाँ के लोकल लोगों ने बताया कि दिवाली पर तो इस मंदिर की सुंदरता देखते ही बनती है। यह सभी मंदिर के छत पर जाकर मैंने वहाँ का फुटेज लिया है। और यहाँ का लंगर विश्व प्रसिद्ध है। लंगर मीन्स यहाँ पर फ्री भोजन कराया जाता है। एक साथ यहाँ बताया जाता है करीब 1,00,000 से ज़्यादा लोगों को प्रतिदिन फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन कराया जाता है। एक साथ लोग ज़मीन पर बैठकर भोजन करते हैं। स्वच्छता का काफ़ी ध्यान रखा जाता है और खाना बहुत स्वादिष्ट भी होता है, हाइजीनिक भी होता है। तो अभी हम आपको लंगर भी दिखाएंगे और बताया जाता है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा किचन है। यहाँ पर यह देखिए, यहाँ पर आपको एक व्यक्ति प्लेट देने वाला होगा, आपको प्लेट देगा, आपको खुद ही प्लेट लेना होगी उससे, फिर अगला व्यक्ति कटोरी देगा और चम्मच देगा। वह सब लेकर आपको हॉल की तरफ बढ़ना पड़ेगा जहाँ खाना लोग खा रहे होंगे। लेकिन यदि पहले से ही लोग बैठे हैं तो आपको बाहर इंतज़ार करना होगा। बाहर इंतज़ार करते रहेंगे आप, सभी लोग एक साथ बैठे रहते हैं। जैसे ही वो उठेंगे जल्दी ही यहाँ सफाई का कार्य हो जाता है और फिर एक साथ 5,000-6,000 लोग बैठकर खाना खाते हैं। सर्विस बहुत फास्ट होती है, खाना बहुत स्वादिष्ट होता है, बहुत विनम्रता के साथ परोसा जाता है।
इसे इस खाने को लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। मुझे भी बोला गया था कि एक बार यहाँ का लंगर ज़रूर खाइए, तो मैंने भी खाया था। यहाँ 3 आइटम्स होते हैं उसमें, एक सब्जी, दाल भी हो सकती है, खीर भी हो सकती है, बदल बदल कर 3 आइटम्स बनाते हैं। तो यह भी मैंने एक सर्वधर्म सद्भाव का एक अनूठा नमूना देखा कि सभी धर्मों, सभी जाति के लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, और वह भी ज़मीन पर बैठकर खाते हैं, नो मैटर यू आर रिच और पुअर। यहाँ पर फ्री रुकने की व्यवस्था भी है, लेकिन रुकने के लिए आपको, आप जहाँ से भी आए हैं वहाँ के गुरुद्वारा से आप लिखवा कर लाइए तो आपको फ्री स्टे मिल जाएगा। खाना तो फ्री है ही, इस तरह आप यहाँ कई दिन रह सकते हैं और आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। पानी यहाँ पर कटोरे में पिलाया जाता है। इस सरोवर में आप स्नान भी कर सकते हैं। और आपको बता दें, अमृतसर आना कोई मुश्किल नहीं है। आप एक बार दिल्ली आ जाते हैं तो वहाँ से फ्लाइट, ट्रेन, बस किसी भी मोड से आ सकते हैं। यदि आप ट्रेन से आते हैं तो आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उतर जाइए और वहाँ से आपको ये गोल्डन टेंपल की तरफ से ही बस, फ्री बस सेवा प्रोवाइड की गई है। हर आधा घंटे में बस वहाँ रहती है, वहाँ से आप बस में आ सकते हैं। और यदि आप अपना ही ऑटो टैक्सी करना चाहते हैं तो वो भी आपको 30 रुपीज़ में, आपको सिर्फ बोलने की ज़रूरत है कि मुझे गोल्डन टेंपल जाना है, आपको पहुंचा देंगे। यहाँ का खाना लाजवाब है। यहाँ के छोले कुलचे तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं, इतने स्वादिष्ट आपको दूसरी जगह नहीं मिलेंगे। मैंने तो यहाँ के छोले कुलचे अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा खाया। वाहे गुरु, एंड में मैं कहूँगा वाहे गुरु।